नुपुर शर्मा के विवादित बयानों के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। इसी के साथ आपको बता दें कि जयपुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों द्वारा भी नुपुर शर्मा व भाजपा नेता नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की जा रही है मांग। समझा क्या पाएंगे आप, पहले तो ये देखिए कि किस तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। इसमें सभी देख लीजिए आप कि इसमें मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भाई भी इसमें हमारे साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो एक महापुरुष हैं, और महापुरुष के खिलाफ अगर कोई अपरद टिप्पणी की जाएगी तो जो इस देश के जो अमन पसंद लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं मुस्लिमों के अलावा, वो भी हमारा साथ देंगे। थैंक यू जफर अहमद। हम मुसलसल पिछले 10 दिनों से हिंदुस्तान का मुसलमान डिमांड कर रहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार किया जाए। मुल्क भर में तकरीबन 100 मकामात पे इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान की सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा और दुनिया के मुस्लिम देशों ने भारत पर दबाव बनाना शुरू किया, तो दबाव में बना के एक को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित कर दिया, दूसरे को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। ये कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारी सीधी सीधी मांग है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। इस्लाम वो मजहब है जो कभी भी किसी भी धर्म के महापुरुष के खिलाफ नहीं बोलता है। तो हम जब दूसरे के धर्म के महापुरुषों का सम्मान करते हैं, तो हम नबी की शान में गुस्ताखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली डिमांड हमारी ये है। दूसरी डिमांड हमारी ये है